ये मेरे को बोली, मेरे पापा इधर ठीक हुए एनडीए सपना के, तो मैं धन्यवाद के रूप में, शुक्रिया के रूप में गुरुदेव के लिए मैं ये गीत के ऊपर धन्यवाद दूंगी, स्वागत करूंगी। तो इसीलिए उसने इधर मतलब ये अपना भाव रखी, तो बहुत अच्छा बात है बेटा, आपका बहुत सुंदर भाव है। अब हम गुरुदेव की तिलक करेंगे। सुरेश बेटा, हमारी पूजनीय आनंदी माँ मंत्रोच्चारण करते हुए गुरुदेव के माथे पर तिलक सजाएंगी। मालाएं उत्सुक हैं गुरुदेव के गले में सुशोभित होने के लिए। आप जो इनमें पंखुड़ियां देख रहे हैं, असंख्य पंखुड़ियां जो देख रहे हैं, दरअसल ये पंखुड़ियां माँ के स्नेह और गुरुदेव के प्रति और सरोज माँ के प्रति इस स्नेह को दर्शाती हैं। स्तंताय सहस्रमूर्ति सहस्रपादे अति गुरुर्वाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटिजुगधारिणे नमः। नमः कमलनाभाय, नमस्ते जलसायने, नमस्ते केशवानन्दं वासुदेवा, नमस्तुते वासनात् वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयम्। सर्वभूतो निवासोऽसि वासुदेवा, नमस्तुते। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतं वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरर्गुरुरात्मेति मूर्तिभेदाविभागिने व्यमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखंडामंडलाकार जोरदार ताली है गुरुदेव के लिए। सरोज माँ के लिए जोरदार तालियां बजाइए, जोरदार तालियां। आदरणीय सुरेश भाई साहब, नरहरि भाई साहब को माल्यार्पण करते हुए जोरदार जोरदार तालियां। परम श्रद्धेय परम पूजनीय श्री अखंडानंद जी महाराज का हम सभी नमन करते हैं, बारंबार नमन करते हैं। जैसा कि हमें ज्ञात हुआ है, परम पूज्य श्री अखंडानंद जी महाराज किसी भी काम को करने के लिए सच्ची भावना पर बल देते थे। उनका कहना था, यदि आपको किसी भी कार्य में सफल होना है, चाहे वो मार्ग साधना का हो या भक्ति का, यदि आपके हृदय में आपके दिल में उस कार्य के प्रति सच्ची भावना है, सच्ची लगन है, तभी आप उस कार्य में सफल हो सकते हैं। उनके कहने का मतलब था, जो भी काम कीजिए पूरी शिद्दत से कीजिए, फिर देखिएगा एक ना एक दिन सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। तब हम यह कह सकते हैं कि भावना में भाव नहीं तो भावना बेकार है, भावना में भाव नहीं तो भावना बेकार है। यदि भावना में सच्चा भाव है तो भाव से भेड़ा आपका पार है, तो भाव से भेड़ा आपका पार है। इसलिए हम सभी साधकों को चाहिए कि जो भी सच्चा मार्ग हमें दिखाया जा रहा है, उस पर हमें पूरी शिद्दत से चलना चाहिए, तभी हम सफल हो पाएंगे, सफलता प्राप्त कर पाएंगे। परम पूज्य गुरुदेव श्री बीवी चौहान जी को मेरा शत-शत नमन, हमारा शत-शत नमन। जैसा कि हमारे पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि एनडीएस को अपना कर आपको बहुत फायदा होगा, आपकी बीमारी, आपकी तकलीफ, आपके दर्द सब दूर हो जाएंगे, और साथ साथ जो ढेर सारे पैसे आपकी बीमारी में लगते थे उनको भी आप किसी अच्छे काम में इस्तेमाल कर सकते हैं। एनडीएस को अपना कर आप अपनी जिंदगी में जो चाहे वो हासिल कर सकते हैं। इससे आपके समय में भी बचत होगी और आपको किसी भी बात की जिंदगी में टेंशन नहीं होगी, क्योंकि एनडीएस सिर्फ आपकी बीमारी ही ठीक नहीं करता बल्कि आपको एक बेहद नेकतर इंसान बनाता है।
आपका शारीरिक मानसिक बौद्धिक सभी तरह का विकास कर देता है। इसलिए गुरुदेव चाहते हैं कि आपको जो भी एनडीए से प्राप्त हुआ है, जो आपने हासिल किया है, वो सिर्फ अपनों तक या अपने परिवार तक सीमित न रखें, सब में बांटें, जो भी मिले उसे ठीक करने की कोशिश करें। हम सोचें हमें क्या मिला है, हम ये सोचें किया क्या है अर्पण, हम न सोचें हमें क्या मिला है, हम ये सोचें किया क्या है अर्पण, फूल खुशियों के बांटें सभी को, फूल खुशियों के बांटें सभी को, सबका ही जीवन बन जाए मधुबन। गुरुदेव के खूबसूरत विचारों के लिए जोरदार तालियां हो। अब हम बात करते हैं अपनी प्यारी आनंदी माँ की। उन्होंने गुरुदेव के बताए मार्ग को दिल से अपनाते हुए मन ही मन ये संकल्प ले लिया था कि वे किसी भी इंसान को बीमार या तकलीफ में देखते ही उसकी मदद करेंगी और तब तक उसकी सेवा करेंगी जब तक कि वो इंसान पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो जाता। माँ का दिल इतना बड़ा इतना विशाल है कि वे कभी नहीं देखते कि क्या इंसान अमीर है, गरीब है या किसी असाध्य रोग से परेशान। वो अपने आश्रम में साधकों को बिल्कुल निःशुल्क रखती हैं और दिन रात साधकों की सेवा में उनका अधिकांश समय व्यतीत होता है। तभी तो कहते हैं जब साथ छोड़ देती है दुनिया, जब साथ छोड़ देती है दुनिया, पर वो हमेशा साथ चलती हैं, पर वो हमेशा साथ चलती हैं। कैसे भी हों हालात, कैसे भी हों हालात, वो साधकों की दिन रात सेवा करती हैं, वो साधकों की दिन रात सेवा करती हैं। बुजनी आनंदी माँ के लिए जोरदार तालियां हों। कोई भजन गाना चाहता है क्या? इस प्रार्थना। तो आइए, अब समय हो गया है ईश्वर को याद करने का। हम सब शरीक होते हैं मिलकर ईश प्रार्थना में। हेलो, ईश प्रार्थना। इसके बाद एक भजन, पर छोटा सा, बहुत बड़ा नहीं गाना, जिसको गाना है वो इसके बाद आ जाए। ईश हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। जो कुछ हमें मिला है प्रभु से करना, उसका करना सीखे। हवा प्रकाश हमें मिलता है, मेघों से मिलता है पानी, यदि बदले में कुछ नहीं देते इसे कहेंगे बेईमानी। इसीलिए दुख भोग रहे हैं, दुख को दूर भगाना सीखे। ईश हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ दे तब दी धरती पर पथिकों को, पेड़ सदा देता है छाया, अपना फल भी स्वयं न खाकर जीवन उसने सफल बनाया। दसवा दुर्लभ है हम इसे
भी हम भी बन जाए, तपस्वा सुमिलन से जीवन प्रभु को अर्पित करना सीख। ईश हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीख। असत नहीं यह प्रभुमय दुनिया, और नहीं है यह दुखदाई, दिल दिमाग को सही दिशा दे तो बन सकती है सुखदाई। जन को प्रभु देते हैं सब कुछ, लेकिन जन को बनना सीखे। ईश हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे।